हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग इकोलॉजी के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। ऑन एंड एवरेज फॉर इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं। इकोलॉजी जो आपका यूनिट है, इसमें 4 चैप्टर है, और हर एक चैप्टर का वेटेज अगर देखा जाए तो लगभग 4 क्वेश्चन का होता है, है ना। तो अब देखिए, इस साल कम क्वेश्चन आए हैं इकोलॉजी से, है ना, इसलिए अगले साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको जरा ध्यान दीजिएगा इकोलॉजी के बारे में। इसमें जो पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक बातें जो क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि इकोलॉजी क्या होता है। बेटा, इकोलॉजी 2 वर्ड से बना हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ओइकोस और लोगोस। इसका मतलब होता है हाउस, ओइकोस का मतलब क्या होता है, हाउस, और लोगोस मतलब स्टडी, है ना। तो कह सकते हैं कि स्टडी करना, हाउस के बारे में स्टडी करना, इट मीन्स कि अगर एक हाउस है तो उसके अंदर में लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों चीज होंगे। आदमी भी रहता है, है ना, और कई सारे ऐसे नॉन लिविंग कंपोनेंट भी है ना। तो इकोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि इट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ इट्स इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में क्या आता है, इन्वायरमेंट में एवरीथिंग। इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट होता है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आ सकता है प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, जितने भी लिविंग कंपोनेंट होते हैं बेटा, वो सब बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, बायोटिक कंपोनेंट। अगला जो 2nd चैप्टर होगा इकोसिस्टम, उसमें हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। तो इन्वायरमेंट के जो होते हैं वो कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म का कैसे इंट्रैक्शन है, क्या इंट्रैक्शन है, क्या इंट्रैक्शन बोले तो, जैसे भाई देखो, इन्वायरमेंट में जैसे प्लांट है, ठीक है, और एनिमल है, ठीक है। अब एनिमल कौन है, ये एनिमल कंज्यूमर है, और ये प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है। तो ये एनिमल इस पर डिपेंड कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में आपस में इंट्रैक्शन है। सो अच्छा, एक इस प्लांट का भी इंट्रैक्शन है, इस प्लांट का इंट्रैक्शन इस एनिमल से क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो इसके वजह से फोटोसिंथेसिस चल रहा है। इस तरीके से लाइट है, ठीक है, तो लाइट है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। लाइट जो है वो एनिमल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ड्यूरनल नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि कई सारे फैक्टर होते हैं नॉन लिविंग फैक्टर में, जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर बोला जाता है। टेम्परेचर होता है, लाइट होता है, वाटर है, सॉइल है, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। तो ये हमारे साथ इनका क्या रिलेशन है, प्लांट के साथ सॉइल नहीं होने से प्लांट को क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाइट नहीं होने से एनिमल्स को क्या इफेक्ट पड़ेगा, ह्यूमन बींग्स को क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बेटा डिटेल से इसके बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज द रिलेशन विथ एनवायरमेंट, एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरमेंट, है ना। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें होती है, चाहे वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो, लिविंग कंपोनेंट हो, या नॉन लिविंग कंपोनेंट हो, वो एनवायरमेंट कहलाएगा, ठीक है। सो अ स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ इट्स एनवायरमेंट इज कॉल्ड द इकोलॉजी। आपको समझ में आ गया। अब यहां पे इकोलॉजी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, इससे पहले कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएं, सबसे पहला सवाल आता है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, किस साइंटिस्ट ने किया था। तो द टर्म इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय, द टर्म इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय अर्नस्ट हैकल, ठीक है। 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने किया था, और साइंटिस्ट का नाम है बेटा अर्नस्ट हैकल, याद रखना, जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। रीटर, रीटर को जो है वो फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। रीटर को क्या कहा जाता है बेटा, फादर ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, रीटर को। पर जब आप गूगल में सर्च मारोगे तो अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट दिखाया जाता है। तो कुछ कुछ बुक्स वाले ये भी मानते हैं कि अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट को जो है वो फादर ऑफ इकोलॉजी मानते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में रीटर हो
तो 100% ये सियोर रहना कि रिटर्न ही ऑप्शन होगा, ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी का। अगला है बेटा एपी ओडम। ईपी ओडम कौन है? तो ईपी ओडम इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, ठीक है। ईपी ओडम को क्या बोलते हैं बेटा? फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, जैसा बोल रहा हूं उसको रट करके याद कर लेना है। एज इट इज क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, ठीक है। कोई सवाल बहुत टफ नहीं होंगे, बिल्कुल इजी तरीके से यहां से पूछा जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा बेटा, अगर आप एनसीईआरटी का बुक खोलो तो एनसीईआरटी में जहां इकोलॉजी यूनिट स्टार्ट हुआ है उसके साइड वाले पेज पे आप देखिए तो रामदेव मिश्रा का फोटो भी बना हुआ है और उनके बारे में लिखा गया है। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से, उन्होंने वो प्रोफेसर थे बीएचयू में, और उनके अंडर में लगभग 50 कैंडिडेट जो है वो पीएचडी किए, और उन्होंने ही डेवलपमेंट किया इकोलॉजी का, एनवायरमेंटल साइंस का इंडिया में, और उनके लगातार प्रयास से लेटर उन्होंने काफी सारा लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उनके प्रयास से है ना इंडिया में काफी सारे एनवायरमेंटल साइंस के फील्ड में है ना वो डिपार्टमेंट बनाया गया और एनवायरमेंटल साइंस की स्टडी पे जोर दिया गया, और स्पेशली ये ग्रास इकोसिस्टम पे, ग्रासलैंड इको सिस्टम पे जो है वो ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कई बार नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर में आप देखोगे कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे है इकोलॉजी क्या होता है। तो इकोलॉजी तो मैंने बता दिया, इंटरेक्शन बिटवीन विथ इट्स एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट्स का इंटरेक्शन होना, अगर पॉपुलेशन है, कोई पॉपुलेशन है और उसका एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है, क्या इंटरेक्शन है उसकी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इसको बोलते हैं आउट इकोलॉजी। भाई देखो, इंटरेक्शन किसी लिविंग, हमारा भी इंटरेक्शन हो सकता है, हम प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, हम लाइट पे डिपेंडेंट हैं, हम वाटर पे डिपेंडेंट हैं, तो हमारा कई सारे लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर के साथ इंटरेक्शन है, और इसी चीज इसी पैरामीटर के बारे में अगर कोई स्टडी कर रहा है तो ये इकोलॉजी हो रहा है ना। उसकी बिहेवियर को स्टडी करना एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में, गर्मी बढ़ जाती है तो हमारे बॉडी में चेंजिंग हो जाता है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर हमको इफेक्ट कर रहा है, गर्मी ठंडी हो जाती है तो हम शिवरिंग करना शुरू कर देते हैं, हम कांपना शुरू कर देते हैं, टेम्परेचर हमको इफेक्ट कर रहा है, हमारी एक्टिविटीज को इफेक्ट कर रहा है टेम्परेचर। सो यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स। आगे हम लोग जैसे जैसे चलेंगे इसके बारे में बच्चों हम लोग बात करते चलेंगे। तो आउटोकोलॉजी का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या किसी एक ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लो कि ह्यूमन बींग है, तो मान लो 50 आदमी है, 50 ह्यूमन बींग है ना, ह्यूमन है, ठीक है। तो ये 50 ह्यूमन का लाइट के साथ, प्लांट के साथ, या और भी जितने भी कंपोनेंट है लिविंग चीज, लिविंग कंपोनेंट या नॉन, इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है उसको बोलते हैं आउटोकोलॉजी। तो पॉपुलेशन का हो या इंडिविजुअल का हो, ये आउटो इकोलॉजी होता है ना। मतलब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे मतलब एक मैंने इस तरीके से बना लिया ए ए ए ए ए ए, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, तो ये ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल को हम लोग बोलते हैं बेटा पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर मैंने बोला कि जैसे ये कोई एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो कई तरह के जीव जंतु हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ डीप ऑर्गेनिजम्स, तो इसको बोला जाएगा कम्युनिटी, है ना। जैसे एक जंगल है तो जंगल में कम्युनिटी होता है, वहां लायन भी मिलेगा आपको, वहां पे आपको टाइगर भी मिलेगा है ना, डियर भी मिलेगा, एलिफेंट्स भी मिलेंगे, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या इंटर रिलेशनशिप है कम्युनिटी का इन्वायरमेंट के साथ, है ना। एलिफेंट को के लिए प्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है, और एक टाइगर के लिए प्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है, लाइट का किसके लिए क्या, प्लांट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है किसी एनिमल के लिए, तो ये कम्युनिटी के बारे में अगर स्टडी कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द साइन इकोलॉजी। तो सिन इकोलॉजी और आउट इकोलॉजी, ये दो चीजें हैं, है ना। किसी एक पर्टिकुलर स्पेसीज के बारे में आप स्टडी कर रहे हो इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में तो उसको बोलते हैं आउट इकोलॉजी, और किसी पूरे के पूरे कम्युनिटी का अगर स्टडी कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड सिन इकोलॉजी, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का।
अब हम लोग क्या बात करेंगे बेटा, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं इन इकोलॉजी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, ठीक है। सो व्हाट इज इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, इसको हम लोग इकोलॉजी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप इस बात को पूरी अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि देखो यहां पे ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म से बनता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनता है बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बनता है लैंडस्केप, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर। जैसे आप देखो देखो बायोलॉजी में क्या होता है, जब बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो कैसे होता है, एक सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। तो ये पूरा का पूरा फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो हाईएस्ट यूनिट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, हाईएस्ट यूनिट। और ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बेटा, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, इसको क्या बोला जाता है, बेसिक बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी है। यहीं से इकोलॉजी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं या बेसिक यूनिट बोल सकते हैं, लार्जेस्ट यूनिट बोलते हैं बायोस्फीयर को। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना जरूरी है, ये सीक्वेंस एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से लैंडस्केप, लैंडस्केप से बायोम, और बायोम से बायोस्फीयर। हमारे इंडिया में 6 मेजर बायोम है जिसके बारे में आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है और उनके बारे में आपको स्टडी करना है। तो इनके बारे में, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इनके बारे में हम डिटेल से सब बात करने वाले हैं। आगे जो फर्दर वीडियो आएगा उसमें हम लोग आगे से आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है कि पूरी चीजें आपको पूरी क्लियरली समझ में आई होगी। एक बार क्विकली रिकैप कर दे रहा हूं, है ना। मैंने बोला इकोलॉजी जो होता है वो दो ग्रीक वर्ड से बना है, ओइकोज मतलब होता है हाउस और लोगस मतलब होता है स्टडी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ इट्स एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ इसका क्या रिलेशन है उसको। अर्नस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का टर्म, इकोलॉजी जो है वो अर्नस्ट हैकल के द्वारा दिया गया है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नस्ट हैकल ने किया था 1869 में। रिटर को बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। ईपी ओडम, इसको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। इकोलॉजी के दो ब्रांचेज हैं, ऑटोइकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी। ऑटोइकोलॉजी मतलब पर्टिकुलर किसी स्पेसीज का स्टडी करना एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में, या किसी पॉपुलेशन या किसी इंडिविजुअल का, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की अगर स्टडी कर रहे हो तो जिसको हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं, तो उसकी अगर स्टडी कर रहे हो एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में तो इसको हम लोग बोलते हैं सिनिकोलॉजी। इकोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सबसे बेसिक यूनिट होता है, फिर पॉपुलेशन, फिर बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम एंड बायोस्फीयर, इट इज द लार्जेस्ट यूनिटी। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन लिटिल डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।